तो संसद का जो शीत्र सत्र शुरू होने वाला है उस पर क्या होगा? क्या फिर से संसद नहीं चलने देगी कांग्रेस, या फिर से हंगामा होगा? जीएसटी बिल लाने की कोशिश है केंद्र सरकार की तरफ से, उसको लेकर क्या होगा, आइए देखते हैं। पर काम का ये मतलब क्या? नहीं है कि बिना चर्चा के, बिना कुछ सहमति के सब कुछ पास हो जाए। आप लोगों से अभी तक कोई चर्चा नहीं हुई है? कोई ऐसी चर्चा नहीं हुई। बड़े महत्वपूर्ण कानून है, जीएसटी बहुत महत्वपूर्ण कानून है, हमारा कानून था, हम लाए थे 6 साल हमारे साथ हैं कमलनाथ जी, पूर्व संसदीय कार्य मंत्री भी हैं, और सबसे खास बात यह है कि ये लोकसभा में सबसे सीनियर पार्लियामेंटेरियन हैं। कमलनाथ जी, तीन दिन बाद विंटर सेशन शुरू हो जाएगा पार्लियामेंट का। पिछला सेशन तो टोटल वॉशआउट था, क्या इस बार भी यही उम्मीद की जाए या कुछ काम होगा? काम आवश्यक होगा, पर काम का ये मतलब नहीं है कि बिना चर्चा के, बिना कुछ सहमति के सब कुछ पास हो जाए। आप लोगों से अभी तक कोई चर्चा नहीं हुई है? कोई ऐसी चर्चा नहीं हुई। बड़े महत्वपूर्ण कानून है, जीएसटी बहुत महत्वपूर्ण कानून है, हमारा कानून था, हम लाए थे 6 साल हम लगे लाए इसके पीछे। उसको पास क्यों नहीं करा देते? क्योंकि पास करने की बात नहीं है, एक सही बिल, एक अच्छा बिल, ये एक बहुत क्रांतिकारी कानून है देश के इतिहास में, पर बिल पास करने की बात नहीं है, सही बिल पास करने की बात है। और इसमें कोई राजनीतिक मुद्दे नहीं है, इसमें मुद्दे हैं जहां प्रांतों को, हर राज्यों को बताऊं, बाहर से ऐसा लगता है ये ईगोज की लड़ाई है कांग्रेस पार्टी, क्योंकि बीजेपी ने आपको ये बिल नहीं पास करने दिया तो इसलिए अब आप अपनी बहुमत यूज करते हैं, राज्यसभा में आप नहीं पास होने देंगे? ऐसी बात नहीं है, ये हमारे जो मुद्दे हैं ये राजनीतिक मुद्दे नहीं है, ये मुद्दे इस कानून को सही और मजबूत बनाएंगे, एक साधारण रूप देंगे, पर इसमें बिना सहमति के, बिना चर्चा के, हमने तो बता दिया हमारे कौन से 6-7 मुद्दे हैं, इन पर चर्चा हो सकती है। और मैं तो मानता हूँ कि गवर्नमेंट को इसका, इन हमारे सुझावों का विरोध करने का कोई बात नहीं, वो ईगो की बात कर रहे हैं कि जो हम कहते हैं, जैसे हम कहते हैं, जैसे हम लाएँ उसे पास करिए। हम कहते हैं कि आप जो हमने मुद्दे उठाए हैं, जैसे हमने एक कैप लगाया है कि 18% से ज़्यादा कभी टैक्स नहीं होगा, जीएसटी नहीं होगा। अब सोचिए 5 साल बाद ये बिल अगले साल के लिए नहीं बन रहा, ये हमेशा के लिए बन रहा है। और हमने कहा है इसमें एक लिमिट होगी, एक सीमा होगी, 18% से ज़्यादा नहीं जा सकते। कोई राज्य भविष्य में इसको 22% ले जाए तो इस बिल का आधार समाप्त हो जाएगा। कमलनाथ जी, पिछले दिनों भारत की राजनीति में एक बड़ा फिर बदलाव आया है बिहार के रिजल्ट्स को लेके। वहाँ कांग्रेस, जो एक ज़माने में एक छत्र राज था, वो माना जाए तो गठबंधन में जूनियर मोस्ट पार्टनर थी, तो क्या, और आप लोगों ने बखूबी वहाँ 2/3 से जीत गए, आपकी सरकार बन गए, तो क्या माना जाए कि ये फॉर्मूला आइंदा भी आप लोग अपनाएंगे? कांग्रेस पार्टी अब इस बात पे, इस नज़रिए, इस बात को मान गई है कि कोएलिशन इज़ द वे फॉरवर्ड? देखिए, कोएलिशन एक तरीका है कि जो पार्टियां भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांतों के, उनके नज़रिए से, उनके दृष्टिकोण का विरोध करती है, वो कुछ साथ मिलके हाथ मिलाएं, ये एक आवश्यक बात है। दूसरी चीज़ जो है, आज 1.5 साल बाद देश की जनता, केवल बिहार की जनता नहीं, देश की जनता समझ रही है कि ये नारों की राजनीति, स्किल इंडिया, मेड इन इंडिया, क्लीन इंडिया, रोज़ रोज़ डिजिटल इंडिया, ये जो नारे हैं, ये नारों की राजनीति से किसी का पेट भरने वाला नहीं है। आप ये नारा कह रहे हैं, ये नारा तो... अब आम पब्लिक का नारा है फूल इंडिया, कहते हैं मोदी का स्किल इंडिया है, स्मार्ट इंडिया है, अब उनका जो फूल इंडिया का नारा है, जिसके बारे में कुछ नहीं कहते, आम जनता इसको समझ रही है। तो आप ये कह रहे हैं कि मोदी जी के ये जितने ये जो कार्यक्रम हैं, इतनी मेहनत से, इतनी जोर शोर से उन्होंने उसको वो लाए हैं, ये सब फूल इंडिया प्रोग्राम है। अगर वो भारत की सफाई करना चाहते हैं, अगर भारत में स्वच्छता लाना चाहते हैं, तो उसमें आपको क्या आपत्ति हो? हमें कोई आपत्ति नहीं है, कुछ तो क्रियान्वयन करें, हमें कोई आपत्ति नहीं है स्वच्छ भारत पर। आप केवल नारे और केवल विज्ञापन दें, आज विज्ञापन पर हजारों करोड़ रुपए खर्च हो रहा है। सर, कोई भी चीज़ आज करने अगर के लिए मैं कहता हूँ 1.5 साल हो गए, ठीक है, उसका अभी कंप्लीशन नहीं हो सकता, वो अभी उसको, पर कुछ तो मैं सोचता हूँ, कुछ तो उजाला दिखे। आज तो कोई रोशनी नहीं है, कोई नाम निशान नहीं है, ये बस कैसे कह रहे हैं? प्रधानमंत्री का दावा है
कि 7.5% से ज़्यादा पे इकॉनमी ग्रो करेगी। देखिए 7.5 ये अभी डेढ़ साल में सोचते हैं इन्होंने जो कलाकारी करी है पिछले डेढ़ साल में, इसके कारण इकॉनमी है, क्योंकि हमने एक ढांचा बनाया था इकॉनमी का, हमने अर्थव्यवस्था, सही बात है, हमने अर्थव्यवस्था को का जो ढांचा बनाया था, जो नीति बनाई थी, जो हमने बोया था, आज उसकी ये फसल काट रहे हैं। कमलनाथ जी, आपने डेढ़ साल पहले ये बात कही थी कि राहुल गांधी को कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना चाहिए, डेढ़ साल बीत गए कुछ हुआ नहीं, क्या रुकावट है और क्यों नहीं बने, क्या मौका नहीं आ गया है? मैंने उस समय कहा था और अभी भी कहता हूँ, उनको अध्यक्ष बनाने की आवश्यकता है और जितनी जल्दी से जल्दी वो जिम्मेदारी उठाएं उतना ही अच्छा होगा। बहुत से लोग ये कहते हैं कि राहुल गांधी जब अध्यक्ष बनेंगे तो जो आपकी जनरेशन ये सीनियर लोग हैं उनके लिए कोई जगह नहीं रही, क्या आपको लगता है उनको अलग करके इनको एक पूरी नई टीम बनानी चाहिए या मिक्स एंड मैच होना चाहिए, ये उनके लिए जगह, आप जैसों के लिए जगह रहेगी वहाँ? ये राहुल गांधी ने खुद स्पष्ट किया है कि हमें सब लोग चाहिए, ये कोई मुझे स्पष्ट करने की आवश्यकता नहीं है, राहुल गांधी जी ने खुद ये बात स्पष्ट कर दी है। तो आपका ये मानना है कि सबके लिए जगह वहाँ रहेगी? कांग्रेस में सबके लिए जगह है और सबका कोई ना कोई स्थान है और ये बना रहेगा। कमलनाथ जी, आज तक से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अंग्रेजी निसगम मनीपम ग निपम निपम ग स निपम निसपस जहाँ तक याद याद आती रहेगी।